हम लोग के लिए कोई काम ही नहीं किया, निशिकांत दुबे विकास नहीं किया, मधुपुर में नहीं किया, नहीं किया। वो तो कह रहे हैं निशिकांत दुबे विकास पुरुष है, संसद में आवाज उठाते हैं, लोग बड़ा लोकसभा के लिए सब बड़ा आदमी देखता है, गरीब को कोई नहीं देखता। आपका नाम क्या हुआ? मोहिब अंसारी। ये बोल रहे हैं कि क्या लग रहा है आपको इस बार मधुपुर जो गोड़ा लोकसभा के अंतर्गत आता है, यहाँ से किसका पलड़ा भारी होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का क्यों? क्योंकि वो विकास का काम बहुत सारा किए है जो कि मधुपुर के लिए खास करके तो उतना नहीं हो पाया है। ये स्वीकार कर रहे हैं कि मधुपुर के उतना काम नहीं किया है, यहाँ पर कोई विशेष काम नहीं हुआ लेकिन और सभी जगह पे हुआ है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेव समाचार। इस वक्त हम लोग मधुपुर में हैं और इस वक्त सुभाष चौक के पास एक चाय की दुकान है, उसके सामने हैं कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। इनसे जानेंगे कि इस बार मधुपुर जो गुड्डा लोकसभा में आता है यहाँ किसका पलड़ा भारी है, किस तरफ हवा चल रहा है, प्रदीप यादव जीतेंगे या फिर निशिकांत दुबे जो है वो चौथी बार यहाँ से सांसद बनने जा रहे हैं। तो आइए सीधे चलते हैं जनता के पास और जानते हैं उससे उनकी राय। यूथ हमारे साथ हैं वो, हाँ ये बताइए भैया आपका नाम क्या हुआ? अरमान हुआ। अरमान हुआ जी। आप भी भाजपा को वोट कर रहे हैं? नहीं, हम भाजपा नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे भाजपा? काहे नहीं, हमको कोई फायदे नहीं है भाजपा। अभी टोल टैक्स 200 रुपया हो गया, 100 रुपया हो गया, जहाँ टोल 20 रुपया मिलता था वो टोल 50 रुपया हो गया। हम डराबर आदमी है, हम कहाँ से सकेंगे। वो तो कह रहे सबका विकास हो गया है, हमारा कुछ विकास नहीं हुआ, कहाँ कुछ कौन चीज विकास में कर दिया। मैं हम डराबर लोग कर आग जुगम कर दिया, हम लोग के कुछ विकास है दिखा दीजिए, क्या विकास है हम लोग के लिए? कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं, हम लोग के कोई काम ही नहीं किया। निशिकांत दुबे विकास नहीं किया, मधुपुर में नहीं किया, नहीं किया। वो तो कह रहे हैं निशिकांत दुबे विकास पुरुष है, संसद में आवाज उठाते हैं, लोग बड़ा लोकसभा के लिए सब बड़ा आदमी देखता है, गरीब को कोई नहीं देखता। आपका नाम क्या हुआ? मोहिब अंसारी। मोहिब अंसारी, तो एक तो कह रहे हैं कि अच्छा ये बताइए विकास अलग जगह है, क्या मुसलमान भाजपा को वोट देता है, भाजपा से खुश रहता है, इस पर क्या कहिए, खुल के बताइए। भाजपा को नहीं देते हम लोग, कांग्रेस को, कांग्रेस को देते। लेकिन एक मिले बोले कि हाँ मुसलमान तो 400 पार करने में सहयोग करेगा। मधुपुर में विकास नहीं किया, गरीब को विकास नहीं, सब बड़ा नहीं। प्रदीप यादव जीतेंगे तो कैसे विकास करेंगे ये बताइए, क्यों लग रहा है प्रदीप यादव आएंगे तो विकास हो जाएगा आप लोगों का? नहीं सर, सब बड़ा विकास करता है निशिकांत दुबे, सिर्फ बड़ा लोगों का विकास करता है, सब बड़ा आदमी, सब बड़ा आदमी करता है। चलिए कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भैया जी आप आ जाइए, आप अरे बोल, सिर्फ ये बताना है आपको, रुझान बताना है, रुझान बताना है। चलिए भैया जी जो है वो कट रहे हैं, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? हमने बताया। हाँ तो कुछ लोग जो है वो जवाब नहीं देना चाहते हैं, खैर ठीक है। आप ये बोल रहे हैं कि क्या लग रहा है आपको इस बार मधुपुर जो गोड़ा लोकसभा के अंतर्गत आता है यहाँ से किसका पलड़ा भारी होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का क्यों? क्योंकि वो विकास का काम बहुत सारा किए है जो कि मधुपुर के लिए खास करके तो उतना नहीं हो पाया है। ये स्वीकार कर रहे हैं कि मधुपुर के उतना काम नहीं किया है, यहाँ पर कोई विशेष काम नहीं हुआ लेकिन और सभी जगह पे हुआ है, और सब जगह पे बहुत काम हुआ है, अब विकास किए हैं और आगे भी करेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ का रुझान है, सारे पब्लिक भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि मधुपुर से कभी बीजेपी लीड करती नहीं है, एक बार सिर्फ कर ले, क्या आप मान रहे हैं कांटे की टक्कर है इस बार यहाँ, या पिछली बार जैसा हुआ जो निशिकांत दुबे दावा कर रहे हैं कि हम लाखों वोट से जीत जाएंगे, क्या आपको ऐसा लगता है जो लोगों से बात कर रहे होंगे? वैसा ही जीत जाएंगे, लाख वोट से ज्यादा से जीतेंगे, लाख वोट से, 1 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगे निशिकांत दुबे। हाँ चलिए ठीक है, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आ जाइए इधर, कुछ लोग यहाँ पर हैं। चाचा जी इधर सुनिए, कौन मार रहा है यहाँ से बाजी, ये बताइए। जो है लोग जो है वो शर्मा रहे हैं, कुछ और लोग बचे हुए हैं। एक भाई साहब जो है उधर खड़े हुए हैं, मधुपुर में जो है लोग बहुत लोग खुलकर नहीं बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग हर जगह करने जाते हैं तो मधुपुर के लोग क्यों नहीं बोलना चाहते हैं, क्या किस तरह का कोई रीज़न है क्या? सबसे पहले तो आप लोग नीज वाले से जो लोग डरते हैं ना, हाँ इसका डर जो है आप लोग पहले निकालिए। तो आप चलिए, हाँ तो ये बताइए कि किसका माहौल है इस बार मधुपुर में, क्या कुछ इस बार हवा है, क्या मोदी लहर है इस बार? इस बार मधुपुर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही लहर चल रहा है, हाँ कि यहाँ जो जात धर्म करने वाले को लोगों ने नकार दिया है, जो जात धर्म पर बात करता है। खुल के बता दीजिए कौन कर रहा है जात धर्म, कौन कर रहा है? वो भी कर रहा है, आप नहीं जानते हैं क्या? हाँ। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट देने के लिए इस बार लोग समझ चुका है कि अब हम लोग जात धर्म पर लड़ने वाले, मस्जिद मंदिर पर लड़ने वाला नहीं है, अब हम लोगों को विकास चाहिए। जो विकास करेगा, जो रोजगार का बात करेगा, जो विकास के बात करेगा, जो नौजवानों का भविष्य के बात करेगा, जो
हमारे बच्चे का शिक्षा के लिए बात करेगा, जो हमारे बीमार का स्वास्थ्य के बात करेगा, लोग उसी को वोट करेगा और उसी तरफ जा रहा है। आप कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद का जब भी जिक्र कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि आप एनडीए के तो अगेंस्ट में हैं। नहीं, आप जैसे समझ, जो आप समझ लीजिए, हम आप इशारों में बता रहे हैं, हम अगेंस्ट, तो खुल के बताने में क्या दिक्कत है कि हम एनडीए की विचारधारा से सहमत नहीं है। हम अगेंस्ट इस चीज का है, जो हमको लड़ाएगा, जो हमको ये करेगा, हम अगेंस्ट किसी का नहीं है। हम सपोर्ट उसका है जो मेरा स्वास्थ्य के लिए बात करेगा, जो हमारा बच्चा का शिक्षा के लिए बात करेगा, जो हमारा यहाँ का एकता के लिए बात करेगा, हम उसका सपोर्ट में, हम विरोध किसी का नहीं है। जो भी ऐसा करेगा उसके पक्ष में है, लोग इस बार समझ गया है। जात पात धर्म ये सब, मंदिर मस्जिद इंडिया पाकिस्तान ये सब चलने वाला नहीं है। तो आप जो है सारे समय बता रहे, खुल के नहीं बता रहे कि इशारों में सब कुछ समझा दिया, सारा चीज बता दिया आपको, उससे ज्यादा क्या बोलेंगे। यही है जो मेन रोजगार चाहिए आदमी, मंदिर हम भी बना लेंगे, मस्जिद हम भी बना लेंगे, अपना वो अपना आस्था का चीज है वो सब कोई कर लेगा, लेकिन विकास मेरा बच्चा का पेट कैसे भरेगा। वो तो कह रहे हैं कि तीसरे नंबर पे पहुंच गए हम, तीसरे नंबर का इकोनॉमी बन गए, विश्व में गुणगान हो रहा है। बारहवीं के बाद जो है ना, बारहवीं के बाद आप इलेवन का जो है एडमिशन कराते रहिए। आप अमित शाह के बयान पे तंज कर रहे हैं। बोल रहा था कि हेलीकॉप्टर से बाय रोड आ रहे हैं, ये सब आप लोग चलवाते रहिए, समझ गया ना, ये सब जो है ना, ये सब चलाइए पूरा। हेलीकॉप्टर से बाय रोड आ रहे थे, हम भी अभी देखे गांधी चौक में, समझे ना, इसलिए ये सब अब चलने वाला नहीं। अच्छा, अब आपसे हम पूछ लेते हैं सवाल सीधा, कितना दिन लोग बुड़बक बने, कितना दिन आप बोल रहे हैं हम बाय रोड हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, बताइए भाई, ये क्या हम मूर्खे न है? आप थाली बजाइए कोरोना भाग जाएगा, बताइए थाली बजा के कोरोना भागता है, क्या किया? वैक्सीन दे के आदमी को मार रहे हैं। ये सारा चीज लोग समझ गया, इस बार सभी धर्म के लोगों ने ये चीज स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ धर्म और जाति नहीं चलेगा, मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा, हमको रोजगार चाहिए, मेरा पेट कैसे भरेगा, मेरा बच्चा का शिक्षा कैसे होगा, मेरा अगर परिवार में कोई बीमार है तो उसका स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा, यही चाहिए। हम लोग के लिए कोई काम ही नहीं किया, विकास नहीं किया, मधुपुर में नहीं किया, नहीं किया। वो तो कह रहे हैं नीतीश कांत भाई विकास पुरुष हैं, संसद में आवाज उठाते हैं, लोग बड़ा लोकसभा के लिए, वो सब बड़ा आदमी देखता है, गरीब को कोई नहीं देखता। आपका नाम क्या हुआ? मोहिब अंसारी। ये बोल रहे हैं कि क्या लग रहा है आपको इस बार मधुपुर जो गोड़ा लोकसभा के अंतर्गत आता है, यहाँ से किसका पलड़ा भारी होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का, क्यों? क्योंकि वो विकास का काम बहुत सारा किए है, जो कि मधुपुर के लिए खास करके तो उतना नहीं हो पाया है। ये स्वीकार कर रहे हैं कि मधुपुर के उतना काम नहीं किया है, यहाँ पर कोई विशेष काम नहीं हुआ, लेकिन और सभी जगह पे हुआ है।